सो हम शाइस्ता से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये जाहिर है डॉक्टर हैं, अपनी इनकी क्लिनिक्स हैं, जिसकी वजह से इनको अवेयरनेस है, इनको इनकी रिसर्च है, इनके पास भी ऐसी टेक्निक्स हैं इनकी क्लिनिक में जो ये आपको कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। सो हम शाइस्ता से शुरू करते हैं, सब अलग अलग चीज़ों पर बात कर रहे हैं। शाइस्ता, हम टेक्नोलॉजीज पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप शुरू करें, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं और क्या क्या चीज़ें हो कि जो अब मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल सपोर्ट जिसको आप कह सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि आप अपना एक जाविया ये बड़ा दुरुस्त कर लें कि मेरी ये जो बॉडी टाइप है इसके ऊपर अगर आपको कहीं गूगल पे कहीं सर्च किया आपने कि मैं अगर 5'4" हाइट की हूँ तो मेरी इतनी वेट होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो टेबल आपके लिए हो। आपकी बॉडी टाइप, आपकी रेस, आपकी हेरिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं पहले तो उनका फ्रेम देखें कि आपकी अम्मा अब्बा का क्या फ्रेम है। जीन्स में क्या है? जीन्स बहुत बहुत मैटर करती है। अच्छा। और हो सकता है आपकी बोन्स के साथ आप अगर 54 का मतलब 5.4 का मतलब है 54 to 56 kgs आपके ऊपर ना जाता हो, बहुत लीन लगती हो या आप कमज़ोर लगती हो या आप बीमार लगती हो, तो अगर आप को लगता है कि 4 kg अप करके मेरा 60 kgs जो है वो ठीक रहता है, तो ये आपकी अपनी मतलब ये आपको खुद अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा इस हवाले से। और दूसरा ये कि अब मेडिकल में बहुत सारी ऐसी जैसे डी एस्थेटिक्स पे हम अपनी चारों पांचों ब्रांचेस में हम यूज़ करते हैं स्किनी ड्रिप्स। ओके। और वो फॉर्मुलेशन हमारी थी और उसके बाद माशाल्लाह मैं देखती हूँ पूरे पाकिस्तान की एस्थेटिक क्लिनिक्स और डर्मेटोलॉजी की क्लिनिक्स जितनी हैं वो उसमें वहाँ यूज़ हो रहा है। तो हमने पहले सबसे शुरू किया था वो, हमने खास उसमें प्रोटीन लिया, कुछ एंजाइम्स लिए और वो हम बॉडी में वो LFTs वगैरह पेशेंट की पूरी डिटेल पूरा एनालिसिस करवा के अगर तो है कि हमें लगता है कि इस पेशेंट को इंडिकेशन बनती कम लगाते हैं। और क्या होता है इससे फ़ायदा? यार उसमें होता क्या है कि आपका जो फैट लाइपोलिसिस होता है ना बॉडी में, यानी हर रोज़ हमारी कुदरत का ये काम है कि कुछ बॉडी के सेल्स नए बनते हैं, कुछ गिरते हैं, कुछ ख़त्म होते हैं। जो ख़त्म होने वाली मिकदार है वो हम तेज़ कर देते हैं ड्रिप से। बस इसकी लॉजिक पूरी ये समझ लें आप कि जो आपके अपना स्टोर्ड फैट है वो जल्दी तेजी से घुलेगा। जैसे आप डाइट करते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभार आपकी बॉडी की वो स्टक रह जाती है। जी जी जी। पेट पे किसी के होते हैं, किसी के हिप्स पे होते हैं, किसी की डबल चिन होती है, फ्री स्टार्ट। हाँ, मतलब वो ढीट होते हैं, वो इतने आराम से नहीं जाते। सो क्या ये स्लिमिंग ड्रिप्स उनको घोलने में मदद करती है? नहीं, वो स्टबन फैट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो लोकलाइज ट्रीटमेंट है। वो लोकलाइज ट्रीटमेंट जो है हम इंजेक्शन से करते हैं, वो लोकलाइज ट्रीटमेंट हम मशीन से करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर जनरल बॉडी वेट गिराना है आपको, आप 62 kg की हैं या व्हाटएवर जो भी, और आपको 3, 4, 5, 6, 10 kg गिराना है, एक अप्रोच ये कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दी एस्थेटिक में कभी मेरी एज डॉक्टर ये अप्रोच ही नहीं है कि मैं आपका एक महीने में 10 kg वेट गिरा दूंगी। जिस बात से मैं खुद अग्री नहीं करती, जो हेल्दी नहीं है, मैं आपको क्यों उस चीज़ का मशवरा दूंगी और क्यों ऐसा इलाज करूँगी। सो मैं यस 10 kg प्रॉमिस करें आप, मैं आपका आराम से 3 महीने में 2 महीने में गिराऊंगी। मैं कोई ऐसा, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। जो जितनी जल्दी जाता है पंच बैक उतनी वापस तेजी से करता है। आपने बहुत सारी ऐसी मिसालें सुनी होंगी कि आपने वेट लूज किया, 20 kg कर लिया जी मैंने, फिर 3 महीने बाद आप उस आदमी से मिले, फिर दोबारा उसका वेट उतना हो चुका है। तो ये जो एक लाइफ पूरा डॉक्टर आपके, जब आप आती हैं वहाँ तो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेती है, आपकी लाइफस्टाइल जानती है और उस हिसाब से आपको गाइड किया जाता है। अच्छा, वो स्लिमिंग ड्रिप्स लगवा रहे तो वो साथ अपनी मनपसंद चीज़ें खाने, डाइट, वो सब वो रख सकता है कि नहीं? जैसे फ्यू आवर्स की एक विंडो होती है जो हम आपको कहते हैं कि इतने घंटे वो उसके लाइफस्टाइल पे आ गए, डिपेंड करती है पेशेंट के कि इतने से इतनी देर तक ये नहीं खाना, बाकी आप दिन में जो भी कुछ खा लें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ट्रीटमेंट या सपोर्ट भी ले रहे हैं और उसके बाद बिरयानी की प्लेटें आप खाए पे खाए जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, खातून थी, वो 5 सालों से ना एक बिस्तर पे बैठी है और वो उस पर लेट भी नहीं सकती, वो सो भी नहीं सकती, उनको इतना मोटापा है और वो इतनी तकलीफ का शिकार है क्योंकि उनके पास इतना सरमाया नहीं है अपना इलाज तरीके से करा सके। तो उनके जो इलाज ट्रीटमेंट है ये इस तरह के पेशेंट्स के ऊपर भी की जा सकती है आपकी? हाँ, लेकिन अगर ये जो आप बता रही हैं तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हैं, इनके लिए हो सकता है लाइपो सक्शन की जरूरत हो या प्लास्टिक गैस्ट्रिक बैंडिंग या कुछ। सालों से नहीं लेटी हूं, सिर्फ बैठी हुई है और बड़ी वायरल वीडियो देखी है मैंने सोशल मीडिया। अच्छा, कुछ चीजें हम सोशल मीडिया के लिए बहुत ड्रामे भी बना लेते हैं। जैसे अभी पिज़्ज़ा ने ये बात की, देखो एक तो हमें ये बताओ कि ये स्लिमिंग ड्रिप्स हर वीक लगेगी? नहीं, हर वीक तो लगेगी, लेकिन कितना मोटापा है, क्या एज है, सबसे शुरू कर सकते हैं? अगर जैसे ये इतनी मोटी बोल रही है कि वो इतनी खातून, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, एक तो 3 कैटेगरीज होती हैं, सुन ले। एक होता है आपका अपना वेट,
उससे अगर जो आपका डिज़ायर्ड वेट है, अगर आप 5.4 इंचेस की हैं, मैंने 5 फीट 4 इंचेस की हैं, तो 54 टू 57 केजीज आपके लिए ठीक है वेट. अब ये वेट से अगर आपका 10 से 15 केजी ज़्यादा है, देन यू आर ओवर वेट. अगर इस वेट से आपका 20 से 25 केजी ज़्यादा है, देन यू आर ओबीस. अच्छा, ये कैटेगरी डिफरेंट है. तो अगर ओबीस वाली कैटेगरी है उसमें आप ड्रिप्स जरूर लगवाएं, लेकिन अगर ओवरवेट वाली कैटेगरी हैं आप, तो आप हाइफू पे जा सकते हैं, मुख्तलिफ मशीन्स पे जा सकते हैं जिसमें फैट फ्रीजिंग भी है, जिसमें लोकलाइज फैट को डिसॉल्व करने वाले इंजेक्शंस भी हैं. वो डिपेंड करता है. डबल चिन है जैसे, मैं जरूर पूछना चाह रहा था आपसे, फैट फ्रीजिंग वाला जो एक मामला है उसकी क्या है, वो मिथ है, वो क्या करता क्या है? नहीं नहीं, वो एक मशीन है जिससे आपको आपका फैट जो लोकलाइज फैट कहीं भी, जैसे आपके यहाँ होता है, डबल चिन पे है, आपके एब्डोमिन जो लोअर बेली पे है, थाइस पे है, वो फैट जो लटक जाता है, लूज हो जाता है. नहीं, वो तो आप जिसकी बात कर रही हैं वो एक डिफरेंट किस्म का फैट है. मैं स्टबन फैट की इस वक्त अच्छा, बात कर रही हूँ, रीट वाला फैट, यंग फैट. हाँ, जो जो हिलता वाला फैट नहीं है, जमा हुआ फैट, जमा हुआ टाइट हुआ फैट. जी जी जी, उस फैट की बात करें, होता है ना, यहाँ भी होता है आपके, कुछ लोगों के यहाँ होता है, और लटकने वाला फैट भी होता है, वो दैट इज सेल्यूलाइट. वो अगेन आपको डिफरेंट तरीकों से, वो भी मशीन्स पे जाते हैं, वो लेकिन फिर वो शॉक मैकेनिज्म है उसमें कि कौन सा कब देना है, कैसे देना है, वो आप डॉक्टर के पास आएंगे तभी आपको बताया जा सकता है. लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि ये पॉसिबल है कि आप उससे फाइट कर सकें और बेहतर हो सकें. अच्छा, अगेन 20 से 25 केजी है, देन आप ड्रिप्स पे जाएं. अगर 10 से 15 केजी है, देन आप इंजेक्शंस पे जाएं और मशीन्स पे जाएं. अच्छा, और अगर और वेट ज्यादा है तब भी तो दुनिया में और टेक्निक्स आ गई हैं, तब भी वो प्लास्टिक सर्जन है, लाइपोसक्शन है, लाइपोसक्शन, गैस्ट्रिक बैंडिंग, क्या वो गैस्ट्रिक लगा, क्या जी 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 वो. लेकिन मैं पता नहीं, अब तो खैर बहुत दुनिया में हो रही है वो. उसमें असल में एक चीज़ है कि आप का जो स्टमक है उसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं वो, लेकिन बलून भी डाल दिया जाता है कि आपका स्टमक छोटा हो जाए, उसको क्लिप भी कर दिया जाता है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम है कि अगर आपका 30 35 40 किलो वजन ज़्यादा और आप एकदम से, हाँ लेकिन देखें एकदम से जब वजन घटता है और खुदा ताला ने जो पूरी एक ये एक आपने कभी देखी हो कि स्टमक की शक्ल इस तरह से एक थैले नुमा शक्ल है, उसके ऊपर के हिस्से से मुख्तलिफ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो आपकी, जो आप खाना खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन एंजाइम्स की वजह से हजम होती हैं, कुछ नीचे वाले हिस्से में जो चीज़ें हैं उसकी जो बैठा हुआ हिस्सा है स्टमक का, उसमें से मुख्तलिफ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो उसमें से वो जो कुछ चीज़ें उसमें उसके लिए ज़रूरी हैं, वो एंजाइम्स कुछ खुराक के लिए ज़रूरी हैं, तो जब आप क्लिप करवा लेते हैं तो आप उन एंजाइम्स से फर्क महरूम हो जाते हैं. फिर आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं. ये जिन लोगों ने कराया है वो इस बात को अग्री करेंगे. और अगर एकदम से फिर अगेन अगर आपने ये टारगेट रखा है कि मैं 2 महीने में इतनी, मैं फला कमीज के अंदर मुझे दोबारा आना है अपनी पुरानी शर्ट के अंदर, दिस इज नॉट पॉसिबल. प्लीज अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक रखें, लेकिन अगर बॉडी को भी टॉर्चर ना करें. लेकिन गाइज, आई एम संबुल इकबाल, और सब्सक्राइब करें AY Original का यूट्यूब चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए.